Good morning, dear students. Today we are here with our English topic, that is Chapter 7, The Adventure, Part 4. Yes, we have discussed a lot about this chapter, a lot about Mr. Guy Tunde, the historian or the professor Mr. Guy Tunde or Gangadhar Pant. Right, so story ki shuruaat, we all know what had happened. Story ki shuruaat, wo ek weird si jagah pe pahunch gaye hain. Wo pehle train mein dikhaye jaate hain. Right. कुछ जीजा माता एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं. देन आफ्टर वो बहुत ही वियर्ड फील कर रहे हैं बिकॉज एवरीथिंग हैज चेंज्ड. राइट, वो जो अभी जिस प्रेजेंट में वो जी रहे हैं, जहाँ पे है वो एट द प्रेजेंट मोमेंट, राइट, इट वाज सो मच वियर्ड कि बीइंग एन हिस्टोरियन उन्होंने ये कभी देखा ही नहीं है. राइट, फिर एक पैसेंजर से वो मिलते हैं जिसे पेशावर जाना होता है. उसके बारे में वो लोग बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं. देन ही गॉट कि वो ब्रिटिश टेरिटरीज में आ गए हैं, यानी वो ब्रिटिश टाइम पे आ गए व्हेन ब्रिटिशर्स वर देयर इन इंडिया. फाइन, सो इन दिस मैनर द स्टोरी गोज ऑन. देन आफ्टर व्हेन ही कम आउट ऑफ द ट्रेन, व्हाट ही ऑब्जर्व मेनी इंग्लो इंडियंस आर देयर वर्किंग इन रेलवेज. राइट, many Anglo Indians, Britishers, few Britishers are there, Parsis are there, and he can able to read on the train that is it's a British territories. He had entered in the British territory. Right, when he moved out of the station, he can observe a very lavish building, very attractive building, that was East India Company's building, and he was in Bombay actually. But everything, whatever he knows about Bombay or Mumbai, we can say, is completely changed in this moment. Sab kuch alag tha, everything was different. Sab jagah sirf British and Britishers were there. Unki hi shops, unki hi banks, unki hi Barclays and everything. He wasn't shocked right now. He was riddled. He was puzzled. He was not getting what to do. He thought ke only thing I can, only the way I can able to get my answer, that is library. So he moved to the library and usse wo bhi doubt tha ki is jagah pe wo library hogi ya nahi. But the library was there. ओके, वो बहुत सारी बुक्स निकालते और उन्होंने ही खुद में बहुत सारी वॉल्यूम्स लिखी थी. वो वॉल्यूम्स उसे उन्हें मिलती है. फर्स्ट फोर वॉल्यूम्स वाज एग्जैक्टली व्हाट ही नोज अबाउट द हिस्ट्री, बट द फिफ्थ वॉल्यूम वाज कम्प्लीटली चेंज्ड. राइट, और वो पढ़ते पढ़ते उसे पता चलता है कि लाइब्रेरी बंद होने का टाइम होता है. एंड एट दैट टाइम वो कुछ एविडेंस के तौर पर कुछ पेजेस उस बुक्स में से फाड़ के अपने पास रख लेते हैं. राइट, और उसके बाद क्या होता है कि सडनली हमें पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया होता है और वो अभी तक उन्होंने जो कुछ भी देखा, इट वॉज ऑल हिज इमेजिनेशंस. और वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए थे बिकॉज वाइल ड्राइविंग अ कार, राइट, जब उनका एक्सीडेंट होता है तब ही वॉज थिंकिंग अबाउट अ बैटल ऑफ पानीपत. तो माइट भी उनका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड उन्हें उस वक्त पे ले गया, बट दैट वॉज कम्प्लीटली वियर्ड, दैट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट दैन द रियालिटी. ओके, सो जब वो अवेक होते हैं तब वो अपने फ्रेंड राजेंद्र से सारी बात बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए थे. सो राजेंद्र थॉट के उसने ये भी क्वेश्चन पूछा कि जब तुम ड्राइव कर रहे थे तब क्या सोच रहे थे वगैरह वगैरह. सो ही टोल्ड दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट माय सेमिनार, जो मैं लेक्चर देने वाला था, आई वाज थिंकिंग अबाउट बैटल ऑफ पानीपत. तो बोले इसलिए तुम उस वक्त तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें वहां ले गया, नथिंग एल्स इज देयर. बट द शॉकिंग थिंग वॉज दैट के जब गंगाधर पंत वॉज क्वाइट श्योर कि ये कोई सपना नहीं था या ये कोई इमेजिनेशन नहीं थी, इट वॉज द रियालिटी वॉट हैड हैपेंड टू हिम. राइट, शायद वो पास टाइम पे, जैसे एक आपने सुना होगा मूवीज में और बहुत सारी जगहों पे शो करते हैं कि टाइम मशीन होता है या एनीथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ है ये सब. राइट, तो वो उसे प्रूफ दिखाते अपने पॉकेट से वही पेपर्स जो उसने लाइब्रेरी से चोरी किए होते हैं, विच ही हैड टोर इट फ्रॉम सम बुक्स, बखार के जो पेपर होते हैं. ही वॉज अ मराठा किंग, वी कैन से. राइट, वही पेपर वो उसे दिखाता है कि सी दिस इज द प्रूफ आई हैव. एंड आफ्टर दैट राजेंद्र वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन द फर्दर स्टोरी, वॉट हैपन देन द एडवेंचर. लेट्स मूव ऑन. I discovered my error when I was paying for my meal.
I had intended to return it the next morning, but it seems that in the melee of Azad Maidan, the book was lost. Only this torn off page remained. उसने वो बुक भी एक्चुअली उठा ली होती है, राइट, जो उससे शायद उसने लाइब्रेरियन से मांगी थी. तो उसे वो डिस्कवर्ड, उसे वो बाद में पता चलता है कि जब वो अपनी मील का, अपना मतलब उसने जो खाना खाया था उसका जब बिल पे कर रहा होता है, राइट, और उसे नेक्स्ट मॉर्निंग वो बुक रिटर्न करनी होती, ये उसके दिमाग में था. बट जब वो आजाद मैदान, हमने देखा कि वो आजाद मैदान पहुंचता है, वहां वो अपनी स्पीच देता है, वहां वो वियर्ड से ऑडियंस से मिलता है, और वो एक ऐसा स्टेज था जहां पे प्रेसिडेंट ट्री कोई था ही नहीं, कोई गेस्ट ऑफ ऑनर ही नहीं था, राइट, और वो वहां पहुंच जाता और अपनी अपनी स्पीच देना शुरू कर देता है. तो उस भगदौड़ में, और जब ऑडियंस उसे धक्का मार के निकाल फेंकती है, उस भगदौड़ में ही हैड लॉस्ट दैट बुक. बट उस बुक के अलावा, वो बुक तो खो गई, बट वो जो फटे पुराने पेज उसने जो रखे थे अपने पॉकेट में, लकीली वही पेज उसके पास एज एन एविडेंस बच गए. राजेंद्र अगेन रीड द पेज. फिर से राजेंद्र वो पेजेस को पढ़ रहा है. इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट. इसमें ये दिखाया है कि कैसे विश्वास राव, राइट, मराठास के जो थे, विश्वास राव कैसे बुलेट से बच जाते हैं, एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी, और कैसे वो इवेंट आगे बढ़ती है और ये एक ओमन बन जाता है, एक गुड डिड बन जाती है मराठा आर्मी के लिए, एक ओमन बन जाता है, राइट, टर्न्ड द टाइड इन देयर फेवर. और कैसे सडनली विश्वास राव के बच जाने की वजह से, जैसे हमने देखा था कि विश्वास राव के एकदम ईयर के पॉइंट से छू के निकल गई थी गोली, राइट, सो अगर वो नहीं बचते तो ये पूरी गेम पलट जाती, राइट, बट वो बच गए, इसलिए पूरी गेम मराठा आर्मी के फेवर में हो गई. नाउ लुक एट दिस, गंगाधर पंत प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी ऑफ भाव साहेब बंची बखार, ओपन्ड एट द रेलेवेंट पेज. अब वो जो बखार का पेजेस उसने पढ़े थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि ये बखार वाला जो टॉपिक है, भाव साहेब बंची बखार का जो टॉपिक है, यही पूरा डिफरेंट था. तो उसने फिर गंगाधर पंत ने राजेंद्र को दिखाया कि अब ये पढ़ो, ये कॉपी देखो, राइट, वो उसके रिलेवेंट पेज उसको खोल के दिखाए. द अकाउंट रेन दस, और उस अकाउंट में क्या लिखा था, एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेले वेयर द अलाइड ट्रूप्स वर फाइटिंग. फिर विश्वास राव ने अपने हॉर्स को गाइड किया और जहां जिस जगह पे उसकी ट्रूप्स फाइट कर रही थी, उसकी जो जहां बैटल चल रहा था, वहां उस हॉर्स को जाने के लिए कहा, एंड ही अटैक्ड देम, और वहां विश्वास राव ने उन पर अटैक किया, एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, ही वॉज हिट बाय द बुलेट. और गॉड ने यहाँ उसके लिए एक डिसप्लेजर शायद चूज किया था, और वहां उसको बुलेट लग जाती है. सो दिस वॉज द रियालिटी कि विश्वास राव को बुलेट लग जाती है और वो जो बैटल है वो हार जाता है. बट वॉट ही प्रोड्यूस्ड इन दैट पेजेस, जो उसने पास्ट टाइम के लाइब्रेरी में जाके जहां से वो पेजेस निकाले थे, वहां ये बताया कि विश्वास राव वो बुलेट से बच जाते हैं और वो बैटल जीत जाते हैं. सो देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट वियर्ड हिस्ट्री एंड द रियालिटी हिस्ट्री. ओके, प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट. तो राजेंद्र बोल रहा है कि आपने मुझे एक, वो कहते ना, खाना दे दिया सोचने का, कि अब मेरे पास कुछ है कि मैं सोचूं कि मैं क्या करूं, या ये जो हो रहा है उसे मैं कैसे समझूं. Until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy. बोले ये material, ये evidence अगर आपने मुझे अभी तक नहीं बताया था, तब तक मुझे तो आपका, आपकी कहानी एक fantasy जैसा लग रहा था, एक dream लग रहा था. बट अब जबकि आपने ये एविडेंस दिखाया, तो अब मुझे ये स्ट्रेंज लग रहा है. बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज, बट आपने जो फैक्ट अब मुझे दिखाया विद एविडेंस, वो काफी स्ट्रेंज है फैंटेसी से. एज आई एम बिगनिंग टू रियलाइज, अब मुझे धीरे धीरे आपकी बात पर रियलाइज हो रहा है. फैक्ट्स, वट आर द फैक्ट्स, आई एम डाइंग टू नो, प्रोफेसर गायतोंडे सेड. प्रोफेसर गायतोंडे बोले, कौन से फैक्ट, किस फैक्ट की बात कर रहे हो, मुझे बताओ. Rajendra motioned him to silence and started passing the room, obviously under great mental strain. Rajendra ne unhe bahut hi silently wo motioned unhe uthne ko kaha, right, and started passing the room. Ab wo room ke paas ja raha hai, matlab
उस रूम के बाहर जा रहे हैं, ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन. दोनों ही अभी तो बहुत एक ज्यादातर वीकेंड से गाय टोंडे वॉज इन अ ग्रेट मेंटल स्ट्रेन. फाइनली ही टर्न अराउंड एंड सेड, प्रोफेसर गाय टोंडे, आई विल ट्राई टू रेशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरीज एज आई नो टूडे. राजेंद्र बोल रहे हैं कि आपने जो कुछ भी कहा प्रोफेसर ट्राइटुंडे, उसके बेस पर मैं दो साइंटिफिक थ्योरीज के एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहता हूँ, राइट? और वो क्या है? वेदर आई सक्सेड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट्स, ओनली यू कैन जज. और मैं वो दो जो साइंटिफिक थ्योरीज आपको आज बेसिस जो है इस एक्सपीरियंस के तौर पे, मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे जो दो साइंटिफिक थ्योरीज आपको बता रहा हूँ, उससे मैं आपको कन्विंस कर पाता हूँ या नहीं, ये आप जज करेंगे. फॉर यू हैव इंडीड पास्ड थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस और मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस. अब राजेंद्र क्या बोल रहे हैं कि आपने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया वो एक बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा आपका, राइट? ऐसा एक्सपीरियंस जिसके लिए आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप बाहर आ गए कोमा से, बट यू आर स्टिल इन दैट वर्ल्ड, राइट? या फिर अगर मैं करेक्टली बोलूं तो ये एक कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस है, राइट? एक ग्रेट कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है एक इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज या सफरिंग, या आप अभी भी उस एक्सपीरियंस से सफर कर रहे हो समवेयर, ठीक है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो द रियालिटी कि ये हुआ क्या उसके साथ. प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स. यानी राजेंद्र को बोल रहे आप कंटिन्यू करिए, मैं आपको पूरी तरीके से सुन रहा हूँ. आई एम ऑल ईयर्स यानी मेरे कान आपकी बात सुन रहे हैं. प्रोफेसर गायटुंडे रिप्लाइड, राजेंद्र कंटिन्यूड पासिंग एज ही टॉक्ड. और वो दोनों पास करते गए, पास करना यानी सॉरी वहां से चलते गए और रूम के आसपास होंगे, राइट, हॉस्पिटल में. और राजेंद्र ने कंटिन्यू किया, यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफ थियोरी एट दैट सेमिनार. तो बोले कि आपने बहुत कुछ सुना होगा उस कैटास्ट्रोफ थियोरी के बारे में सेमिनार में. कैटास्ट्रोफ मैंने बता दिया, वही उसका मीनिंग है, किसी चीज को सफर करना या ग्रेट डैमेज होना. लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत. बोले उस कैटास्ट्रोफ थियोरी को हम बैटल ऑफ पानीपत में अप्लाई करके देखते हैं. Wars fought face to face on open grounds offer excellent examples of this theories. वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से wars हुए, face to face wars हुए, open ground में हुए, और ये एक excellent example बन सकते हैं हमारी theory की. The Maratha army was facing Abdali's troop on the field of Panipat. अब वो आगे बोल रहे हैं कि Maratha की army अब्दाली के ट्रूप को पानीपत में, यानी बैटल ऑफ पानीपत में अब्दाली और मराठाज आर्मी दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे. देर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटर्स ट्रूप्स एंड द अपोजिंग फोर्सेस. बोले कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसी ग्रेट डिस्पैरिटी जैसी या डिफरेंसेस नहीं थी, दोनों ही काबिल थे या दोनों ही उतने पावरफुल थे, राइट? देयर आर्मर वॉज कंपेरेबल. उनके आर्मर्स यानी उनके वेपन्स बोलो या उनके सोल्जर्स बोलो, वो कंपेरेबल थे. सो अ लॉट डिपेंडेंट ऑन द लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप. तो बहुत कुछ डिपेंड करता है एक तो लीडरशिप क्वालिटी पे और ट्रूप का मोरल क्या है, किस मोरल के साथ वो वहां फाइट करने पहुंचे हैं. द जंक्चर एट विच विश्वासराव द सन ऑफ एंड हायर टू द पेशवा वॉज किल्ड प्रूव्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट. वो क्या बोल रहे हैं कि जिस कंडीशन में विश्वासराव, राइट, जंक्चर का मीनिंग मैं आपको बता दूं, जंक्चर यानी पर्टिकुलर पॉइंट और इवेंट और टाइम, जिस वक्त विश्वासराव, राइट, अब क्या बोल रहे हैं कि विश्वासराव द सन एंड द हायर ऑफ द पेशवा, पेशवा के अगले क्या कह सकते हैं कि जो किंग बनने वाले हैं, ठीक है, विश्वासराव वॉज द सन ऑफ बालाजी, सॉरी विश्वासराव का पूरा नाम था, वेट लेट मी सी, यस, विश्वासराव वॉज द सन ऑफ बालाजी बाजीराव, ठीक है, ये बालाजी बाजीराव के बेटे थे. सो उन्होंने कहा कि बालाजी बाजीराव के बारे में हम सब जानते हैं, ही इज अ क्वाइट फेमस पर्सनालिटी, एंड उनके बेटे और जो नेक्स्ट पेशवा बनने वाले थे विश्वासराव, सो वॉज किल्ड प्रूव्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट. और उन्हें मार डालना, रियलिटी वॉज दैट कि उन्हें मार डालना ये एक ग्रेट टर्निंग पॉइंट होगा.
एज हिस्ट्री हैज इट, और हिस्ट्री के पास ये ग्रेट टर्निंग पॉइंट है, हिज अंकल भाव साहेब रश्ड इनटू द मिल एंड वाज नेवर सीन अगेन. अब ये जो भाव साहेब था, दैट वाज बखार भाव साहेब था, वो विश्वास राव के अंकल थे. इसने धोखा किया और वो अब्दालीस के मिल के साथ जुड़ गया. गेटिंग? तो वो वहां रश्ड ऑन हो गया. फाइन, भाव साहेब यू नो ना, वो जिसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे थे. यस, लेट्स कंटिन्यू. तो रश्ड इनटू द मिल, दैट इज मिल मींस अ कंफ्यूज्ड फाइट. ठीक है, वहां दौड़ के वो चला गया और उसके बाद वो कभी दिखा नहीं है. अब उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, नोबडी नोस. फाइन, whether he was killed in battle or survived is not known. अब वो उसमें उनके साथ मिल गया या उस battle में वो killed हो गया या वो बच गया, किसी को कुछ नहीं पता बखार के बारे में. But for the troops at that particular moment, that blow of losing their leader was crucial. But उस troops के लिए, right, उनकी army के लिए अपने leader को खो देना, वो उनके लिए एक blow की तरह था, एक बहुत बड़ा धक्का था और वो टाइम पीरियड उनके लिए काफी क्रूशियल था. दे लॉस्ट देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट. जब किसी भी आर्मी का हेड या किसी भी ट्रूप का किंग, जो मेन पर्सन है, राइट, जिसके लिए वो फाइट कर रहे हैं, वो अगर एक्सपायर्ड हो जाता है, वो उस ट्रूप में मारा, सॉरी, उस फाइट में अगर मारा जाता हो, वो अगर किल्ड हो जाता है, तो उनका मोरल टूट जाता है, क्योंकि मोरल ही वो पर्सन होता है, उनकी फाइटिंग स्पिरिट चली जाती है. देयर फॉलोड एन अटर रॉट. एग्जैक्टली प्रोफेसर, एंड व्हाट यू हैव शोन मी ऑन दैट टॉर्न पेज इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वासराव. और बोले कि एग्जैक्टली प्रोफेसर, तुमने मुझे जो पेपर्स, फटे पुराने पेपर्स जो मुझे बताए उस बैटल के, और उसमें ये दिखाया था कि कैसे विश्वासराव वो बुलेट मिस्ड कर जाते हैं. अ क्रूशियल इवेंट गोन द अदर वे, बट ये जो इवेंट है, क्रूशियल इवेंट, ये कम्प्लीटली चेंज हो गई, ये अदर वे में चली गई, राइट. वो अब उस पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उस पेपर में जो लिखा था कि विश्वासराव की बुलेट मिस हो गई, सॉरी, वो बच गए और मराठास जीत गए, राइट. अब ये पूरा टेबल कैसे टर्न हो गया, वो देखो. एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द ट्रूप्स वॉज ऑल्सो द अपोजिट. अब वो जो इफेक्ट पहले मराठास और मराठा के ट्रूप फेस कर रहे थे कि विश्वासराव चल बसे वो बैटल में किल्ड हो गए, अब उनकी व्हाट वी कैन से कि उनके सोल्जर्स है, वो पूरी तरीके से मोरललेस हो गए हैं, फाइटिंग स्पिरिट भूल चुके हैं. अब ये सब कुछ हो रहा है अब्दाली के साथ, गेटिंग, कि अब्दाली के ट्रूप में ये हुआ. सो ये जो इफेक्ट है, अभी वो अपोजिट साइड चल रहा है अकॉर्डिंग टू द इमेजिनेशन ऑफ गायतोंडे. इट बूस्टेड देयर मोरल एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पिटस दैट मेड ऑल द डिफरेंस. तो यहाँ पे अगर हम ग्रेट इम्पिटस देखें तो वही है, और ये ग्रेट डिफरेंस यही है कि बैटल में जब दो पर्सन आमने सामने होते हैं तो एक का मरना, दैट इज, तो ही एक जीतेगा. ये एक बैटल का रूल होता है, राइट. फिर राजेंद्र नेता का आगे क्या होता है. मे बी सो सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वॉटरलू विच नेपोलियन कुड हैव वॉन, बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज अ यूनिक हिस्ट्री. सो गायतोंडे ने कहा कि हाँ, मे बी हो सकता है, स्टेट्समैन सिमिलर है, यानी जितने भी स्टेटमेंट थे, राइट, सिर्फ फर्क क्या था, गायतोंडे के इमेजिनेशन में विश्वासराव जीत जाता है, वो बुलेट मिस कर जाता है और उसकी ट्रूप जीत जाती है. रियालिटी में बुलेट मिस नहीं होती और वो हार जाता है. गेटिंग? सो स्टेटमेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट उसने कहा कि यही ऐसा भी बैटल ऑफ वॉटरलू में हुआ था, जहां नेपोलियन कुड हैव वॉन, वो जीत गया था, राइट. बट वी लिव, बट हम एक ऐसे यूनिक वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां हमारी हिस्ट्री बहुत यूनिक है. Okay. This idea of it might have been is okay for the sake of speculation, but not for reality. राजेंद्र ने जो भी बताया उस पर गंगाधर पंत कहते हैं कि ये जो भी आइडिया आपने मुझे समझाया, ये sake of speculation के लिए okay है, मुझे आश्वासन देने के लिए ये ठीक है, but reality ये अभी भी नहीं है. मैं अभी भी इस आपकी थियोरी से सेटिस्फाइड नहीं हूं. दिस इज नॉट व्हाट आई वांट.
ठीक है, ये जो आपने थ्योरी फॉर्म करके मुझे समझाई, राइट, बट दिस इज नॉट द रियलिटी. आई टेक इश्यू विथ यू देयर. इन फैक्ट दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, बट प्लीज हियर मी आउट. राजेंद्र से, राजेंद्र ने कहा कि मैं आपको उस टॉपिक पर भी लेके जाऊंगा, राइट. मेरा जो अब सेकेंड पॉइंट है वो उसके बेस पर है. आपको शायद मेरी बात स्ट्रेंज लगे, पर प्लीज मेरी बात सुनिए. गंगाधर पंत लिसेंड एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यू. वॉट डू वी मीन बाय रियालिटी? अब गंगाधर पंत राजेंद्र को ध्यान से सुन रहे हैं और राजेंद्र ने कहा कि रियलिटी का मतलब क्या है. वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विथ आवर सेंसेस और इनडायरेक्टली वी आर इंस्ट्रूमेंट्स. अब वो रियलिटी का मतलब समझा रहा है राजेंद्र कि हम उस चीज को, रियलिटी को, या तो डायरेक्टली अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं या इनडायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं. बट इज इट लिमिटेड टू वॉट वी सी? बट हम जो सोचते हैं, हमने जो देखा, क्या वहां तक वो सीमित है, वहां तक वो लिमिटेड है? डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशन? क्या हमने देखा वही वो बात खत्म हो जाती है, उतना ही उसका लिमिटेशन है? क्या उसका और कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता, या फिर उसका और कोई पड़ाव नहीं हो सकता? दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम. बोले वो रियलिटी यूनिक नहीं है, बट वो रियलिटी जहां कैसे मिली है, एक्सपेरिमेंट से मिली है. कुछ छोटे छोटे सिस्टम्स को हमने एक्सपेरिमेंट किया और वहां से वो रियलिटी हमें समझ में आई ऑफ एटम्स एंड देयर कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स. जैसे हम एटम्स को समझते हैं और उसके पार्टिकल्स को समझते हैं, वो छोटे छोटे सिस्टम्स जब मिलते हैं तब एटम्स बनता है. गेटिंग? व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम्स द फिजिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्टलिंग. जब हम इस सिस्टम्स के साथ डील करते हैं तो जब फिजिस्ट क्या करता है, उसे कुछ नया डिस्कवर्ड मिल, उसे वो कुछ डिस्कवर्ड करता है जो बहुत ही डिफरेंट होता है, स्टार्टलिंग होता है, समथिंग वेरी स्टार्टलिंग. द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. बोले कि ये जो बिहेवियर है, कि क्योंकि हम उस एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, राइट, फिजिस्ट जो भी डिस्कवर कर रहा है वो बहुत सरप्राइजिंग होगा, बट इसके बिहेवियर के बारे में हमें नहीं पता, बिकॉज ये फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है. तो उसके बाद वो जो एक्सपेरिमेंट वो कैसे बिहेव करेगा, या इसका इसका क्या तोड़ निकलेगा, अभी हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट. इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम आर नोन. जबकि सारे हमें फिजिकल लॉज भले ही पता हो, हमने उस सिस्टम में सारे फिजिकल लॉज भी भले यूज ना कर लिए हो, बट इवन दो वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा एट द फर्स्ट मोमेंट, जब हम कोई चीज को एक्सपेरिमेंट करते तब हमें उसका रिजल्ट पता नहीं चलता. सो दिस वॉज हिज scientific talk or a type of catastrophe theory of Rajendra. I know this chapter is quite confusing, but ek aad do baar use videos ko dekho, right, dhyan se read out karo, you will understand it very well. theek hai, thoda वो कहते हैं मूवीज में नहीं दिखाते, बहुत कंफ्यूजन होता है कि कभी पास्ट दिखा रहे हैं, कभी फ्यूचर दिखा रहे हैं, कभी प्रेजेंट शो कर रहे हैं, तो बस यहाँ पे वही चीज है. ओके, यहाँ पे दो अलग अलग पास्ट या हिस्ट्री दिखाई गई है. वन इज द रियलिटी के जो हिस्ट्री में हुआ था, एंड वन इज द इमेजिनेशन ऑफ गाय टोंडे. बट अकॉर्डिंगली जिस तरीके से उसने एविडेंस निकाले, तो अब ये कंफ्यूजन बढ़ गया कि गाय टोंडे उस पास्ट में क्या सच में पहुंच गया था, या ऐसा कुछ शायद सच में हुआ था या नहीं हुआ था. और दोनों ही पास्ट बहुत ही अलग है. जो एक्चुअली हुआ था उससे सब कुछ उल्टा है. इमेजिनेशन ऑफ गाय टोंडे. गेटिंग? तो बस वही यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, और राजेंद्र अपनी अपनी कैटास्ट्रोफिक थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा है, विच इज ऑल्सो क्वाइट कंफ्यूजिंग टू गाय टोंडे टू अंडरस्टैंड कि वो आखिर बोलना क्या चाह रहा है. इसलिए वो बोल रहा है कि तुम जो भी बोल रहे हो वो थियोरिटिकली है, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट द रियलिटी. गेटिंग? तो अब वो अपना साइंटिफिक नॉलेज इसमें दिखा रहा है, वो फिजिक्स में घुस गया है, एंड मेनी अदर थिंग्स. सो अब आगे फाइनली इसका क्या सोल्यूशन आता है, या गंगाधर पंत को सच में वो इमेजिनेशन में थे या रियलिटी में पहुंच गए थे, या व्हाटएवर, विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट. अप टिल बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.